एक वेश्या आई थी। हरिदास ठाकुर नव यौवन अवस्था में स्थित हैं, घनघोर वन के बीचों बीच बैठे हैं, समय भी रात के मध्याकालीन। तो उस परिस्थिति में वेश्या जब हरिदास ठाकुर के समक्ष आई, उनको आकृष्ट करने का प्रयास किया। हरिदास ठाकुर 3 दिन 3 रात लगातार नाम जपे और वेश्या का हृदय परिवर्तित हो गया और ठाकुर हरिदास के चरण में सिर नवाकर कहने लगी, हे ठाकुर महाशय, आप क्षमा कर दे, आपको अपने आध्यात्मिक स्तर से पतन कराने के लिए से मैं यहां आई थी। आप इतने यशस्वी हो रहे हैं नाम जापक के रूप में कि सब ईर्ष्या भाव से जलने लगे। हरिदास ठाकुर महाशय कहने लगे, तुम भगवान की उतनी ही अंश हो जितना मैं हूं। तुम भगवान से विमुख हो गई हो, भगवान से दूर हो गई हो, इसलिए ये दुष्ट प्रवृत्ति आए हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है, क्षण अंधकार छा जाता है, अर्थात जब भक्ति जागृत नहीं होती हृदय में, ईर्षा द्वेष काम क्रोध मोह की अग्नि के अंधकार जागृत हो जाते हैं। तो इसी अंधकार को ध्वंसित करने के लिए मैं यहां बैठा था आपका उद्धार।